The time to file our reply to the notice of the Deputy Speaker for our disqualification is extended till the 12th of July. Secondly, has directed and recorded the undertaking of the state government that all protection to life and liberty of these 39 MLAs as also their family members shall be extended by the state government. Sir, one issue that was raised by Mr. Devdatt Kamat was what happens if there is a floor test that is forced by the other side. That is not the subject matter. Can there be a floor test? I can't comment on it because that's not the subject matter of this petition. आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन और मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी।